लेखिका ने बताया कि लायुंग की सुबह कि लायुंग वे पहुंच गए थे और वहां वे रुके हुए थे रात को, तो लायुंग की सुबह और भी आकर्षित उसे लगी, बेहद शांत और सुरम्य कि जो मनमोहक सुरम्य आनंद देने वाली, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई, अर्थात वह सुबह हवा जो थी वह कल कल करती नदी बह रही थी, धीरे धीरे हवा बह रही थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार, तो ये तीन चीज़ें वहाँ आजीविका का साधन थी। जो लोग खेती करते थे वे पहाड़ी आलू बोते थे और धान की खेती करते थे और दारू का व्यापार, क्योंकि ठंड अधिक थी इस कारण वहाँ दारू का भी व्यापार लोग करते थे। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी, कि लेखिका ने बताया कि सुबह वे अकेली टहलने के लिए निकल गई थी। लेखिका को उम्मीद थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था, अर्थात थोड़ी सी भी बर्फ़ उसे नहीं मिली। तो यहाँ लेखिका जो प्रदूषण के कारण बर्फ़ नहीं मिलती उसकी ओर भी संकेत कर रही है कि प्रदूषण के कारण वहाँ बर्फ़ नहीं थी। यद्यपि हम जो सभी यात्री थे सी लेवल अर्थात समुद्र की सतह से 14,000 फुट की ऊंचाई पर थे, लेखिका बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी, क्योंकि जो मैदानी इलाकों से आए हुए लोग हैं वो बर्फ़ से ढके पहाड़ों को किसी जन्नत से भी कम नहीं मानते, अर्थात उन्हें जन्नत जैसे लगते हैं, लेकिन वहाँ कहीं भी बर्फ़ नहीं मिली। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, अर्थात लोगों ने पेड़ पौधों को काट दिया है जिस कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इस प्रदूषण के कारण वहाँ बर्फ नहीं पड़ती। पर यदि मैं कटाव चली जाऊँ तो वहाँ सर्दिया बर्फ मिल जाएगी, अर्थात कटाव एक जगह का नाम था कि जहाँ पर प्रकृति अपने सुंदर रूप में दिखाई देती है। तो लेखिका ने कहा कि अगर उस युवक से कि अगर हम कटाव चले जाएं तो वहाँ बर्फ़ अवश्य मिलेगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड, कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं, अर्थात उसका नाम अभी बहुत लोगों ने कम सुना है और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, अर्थात वहाँ लोग कम जाते हैं, गंदगी कम फैलाते हैं या गंदगी नहीं फैलाते, पेड़ पौधों को काटा नहीं गया है, तो इसलिए प्राकृतिक स्वरूप में वह मिलता। कटाव जो लायुंग से भी 500 फुट ऊंचाई पर था, करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह युवक मुझसे बता रहा था कि उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़प लिया, अर्थात खा लिया, खाने की सामग्री होगी महुआ और वो गाय ने खा लिया। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था, मीठी झिड़कियाँ कि केवल दिखावे का क्रोध उसने किया और उसको भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ हम अब हमारा सफ़र कटाव की ओर था, बहुत अच्छा सफ़र बीत रहा था।